चलिए बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए, इतने सारे हाथ यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जनता के सवाल लेते खड़े हो जाइए। मुस्लिम समाज का कितना अच्छा बाकी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, गुजरात के अंदर युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, 22-22 पेपर लीक कांड हुए हैं, हर पेपर लीक कांड के बाद भाजपा के नेता आके एक बात बोलते रहे, किसी भी चमरबंदी को मगरमच्छ को नहीं छोड़ा जाएगा। भाजपा के प्रवक्ता बताएं, एक भी मगरमच्छ को पकड़ा हो, एक भी मगरमच्छ चमरबंदी जेल के अंदर हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने भारतीय युवा गुजरात के युवाओं के भविष्य बर्बाद करने का काम पेपर लीक कांड के आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा। और महिला भी, आप भी खड़े हो जाइए। कौन 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 सवाल करना चाह रहा है? देखिए साहब, जब आप भाजपा की बात कर रहे हैं तो हमारी चाली में अभी तक 70 साल से मैं रह रहा हूँ, अभी तक पानी का कोई साधन नहीं, लैट्रिन का कोई साधन नहीं। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? बिल्कुल नहीं। कहाँ पर रहते हैं आप? हम रानी पर रहते हैं और छोटा लाल जमुना दास की चाली, इसके लिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। आप जो अपनी बढ़ंता कर रहे, ये कानून के गैर खिलाफ है। चलिए, अभी भी विकास नहीं पहुँचा है। सवाल सुनते जाइएगा सर, मैं एक साथ आपसे जवाब लूंगी। बहुत सारे सवाल है। हेलो प्राची, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम बीजेपी लीडर। आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम बीजेपी लीडर सर, इन द बिगनिंग यू टोल्ड कि राहुल गांधी भाग गए, एम आई राइट सर? इफ यू पीपल डोंट टेक राहुल गांधी सीरियसली, व्हाई एवरी टाइम आफ्टर हिज ईच एंड एवरी स्टेटमेंट यू पीपल कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग राहुल गांधी? दिस इज द वन क्वेश्चन आई हैव सर। चलिए, तीन सवाल हो गए। एक तो ये, जफर इस्लाम साहब मैं आ रही हूँ आपके पास, एक तो ये सवाल हो गया कि पेपर लीक कांड के आरोपी नहीं पकड़े गए। मैं देखिए इधर से शुरू करता हूँ। राहुल गांधी के इंग्लिश में बोला है लेकिन मैं हिंदी में जवाब देता हूँ, हिंदी चैनल है आपका इसलिए मैं इसको हिंदी में जवाब देता हूँ। राहुल गांधी जी, कोई भी अगर आपका सबसे बड़ा मुखिया हो, लीडर हो पार्टी का, उसका क्या काम है? उसका काम है अपने पार्टी को जीत दिलाना, पार्टी को इलेक्शन में ले जाना, मजबूती से लड़ना। आप बताइए कहाँ मजबूती से लड़ रहे हैं वो? आप गुजरात का इलेक्शन कितना दिन पहले से शुरू हो गया है, अभी ये आज आखिरी हफ्ते में आ रहे हैं, क्या ये पार्टी जो है, पार्टी का कोई लीडर इस तरह से लीड करता है किसी पार्टी को? इसलिए लीड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि उन, छोड़िए जनता की बात, उनका विश्वास जो है अपने लीडर्स के, जो विश्वास जो है पार्टी के लीडर्स को, लीडर को भी नहीं प्राप्त है। ऐसे में वो इलेक्शन हार, जानते हैं कि हार जाएंगे इसलिए भाग रहे हैं। ये तो बात हो गई। जहां तक चाहे पेपर लीक हो, चाहे कोई भी, आपने मोरबी का भी सवाल उठा, उसका भी जवाब देता हूं। देखिए, कोई भी दोषी, जो भी दोषी है उसको दंडित किया ही जाएगा, चाहे कोई भी दोषी हो। लेकिन देखिए, सुनिए, दोषी को, दोषी का, दोषी को दंडित करने का काम जो है, इसके ऊपर केस होना चाहिए था, दोषी को दंडित करने का काम जो है वो जो कोर्ट देता है, हमने जो जो कोर्ट तक ले जाने का काम हम करेंगे, और दंडित करने का काम जो है कोर्ट का होता है। एफआईआर में नाम नहीं है सवाल, हालांकि तीसरा सवाल एफआईआर में नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन, देखिए हमने इन्वेस्टिगेशन लगाया है, इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट आने दीजिए। पानी नहीं पहुंचा है वहाँ पर, आप शौचालय बनाने की बात करते हैं, शौचालय नहीं पहुंचा है। बाबा ने जो बात कही उस बात को मैं बहुत चिंता के तौर पर देख रहा हूँ कि देखिए, बाबा ने जो बात कही, ऐसी कोई भी जगह हो, इसलिए कि हमारी हमारी इच्छा बिल्कुल साफ है, हम लोगों को सुविधा पहुंचाना चाहते हैं। अगर कोई भी किसी भी परिवार में, जैसे हमने नल से जल ये कार्यक्रम शुरू किया है, तो हर तरह से हम हर घर तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे, और मैं अश्योर कर रहा हूं उनको, आपको अश्योर कर रहा हूं। आपने बोला जमुना लाल गली वाले, मैं वहां तक पानी पहुंचाने का काम करूंगा। ये ऐसे ये पार्टियां हैं 70 साल से रही, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, पब्लिकली बोल रहा हूँ कि आपके घर तक पानी पहुंचाने अगर नहीं पहुंचा है तो पहुंचाने का काम हम करेंगे। अभी इस प्रोग्राम के बाद मैं आपका एड्रेस लूंगा, इस प्रोग्राम के बाद एड्रेस लूंगा और आपको फोन करके बताऊंगा। ये देखिए, 15 लाख रुपया बोले थे आपके अकाउंट में आए नहीं आए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, मिला नहीं मिलेगा, इसी तरह पानी आपके घर में नहीं आएगा, ये भी जुमला याद रखना सर। गुजरात की जनता चाहती है बदलाव, बदलाव लाने के लिए बदलाव करना पड़ेगा। कैसे आएगा बदलाव? आप तो 13 सीटों पे लड़ रहे हैं, पे भी काफी है। को चुनेंगे? अरे 2 MP है खाली पार्लियामेंट के अंदर, मगर 351 पे भारी, तो बदलाव के पक्ष में बैठ के लाएंगे क्या? तो है सिर्फ लाएंगे बदलाव, देखिए बदलाव लाना पड़ेगा। हम आए हैं यहाँ पे, हमने एक बीज बोया है, फल उगेगा आगे आने वाले हमारी। चलिए ठीक है, विपक्ष में बैठने को वो तैयार है, अब सरकार किसकी? देखिए प्राची जी, बहुत सिंपल सा सवाल है, मैंने पूछा एक यूनिवर्सिटी का नाम वो नहीं बताएंगे, मैंने एक मेडिकल कॉलेज का नाम पूछा वो नहीं बताएंगे, 22 पेपर आउट हुए उनमें कौन जेल के अंदर है उसका नाम नहीं बताएंगे,
और हालत यह है कि जब जब अहमदाबाद के अंदर या गुजरात के अंदर विदेशी मेहमान आते हैं तब तक चद्दर लगा के गरीबी ढकी जाती है। 31.5% लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। आप हालत समझिए गुजरात की कि गुजरात का सेक्स रेशियो नेशनल एवरेज से भी नीचे है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 19वें नंबर पर है। आज हालात ये हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं आपने इतना काम किया, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, डबल इंजन के नाम पर वोट मांगी ना, आप क्यों नहीं मांगते? आप कहिए हमने नोटबंदी की थी और हमें वोट दे दीजिए। बोलिए सर, बोलिए आपके सवाल ज्यादा हो रहे हैं, हमने नोटबंदी की थी, वोट दीजिए मुझे, मुझे सवाल लेने दीजिए, वोट मांगी आपने, मांगिए ना आप नोटबंदी पे वोट मांगिए, सुन लीजिए जनता के सवाल, जनता के लिए आप लोग चुनावी मैदान में रुक जाइए। आप कहिए हमने नोटबंदी की थी, हमें वोट दीजिए, मांगिए ना, आपस में लड़ेंगे, जनता सब देख रही है, जनता जनार्दन है, कोई लड़ाई नहीं है, नूरा कुश्ती एक ही है दोनों टीम पीटी में। मेरा नाम जयेश है। हाँ। मैं इन ये दोनों से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से बीजेपी, हाँ बीजेपी से, सॉरी बीजेपी नहीं, कांग्रेस और अरे भाई से पूछना चाहता हूँ, ये लोग 5 साल में नहीं दिखते, 4.5 साल के बाद जब इलेक्शन आते हैं तभी वो लोग दिखते हैं, बाकी बीजेपी 24/7 होता है, ठीक है। दूसरी बात ये जो बोल रहे, जो हमारे यहाँ 20 साल से सबका, मैं तीनों का दे देता हूँ जवाब, उन दोनों का कि उन्होंने जो बोला कि यहाँ पे 20 साल से अपनी बारी का इंतजार करिए ना, अपनी बारी का इंतजार करिए, 20 साल से यहाँ पे शांति है, हिंदू हो या मुसलमान हो कोई भी हो, हाँ। यहाँ पे सब शांति है और सुरक्षा से साथ रह रहे हैं, और ये जो बोले चाइना और वो जो कांग्रेस वाले बोले और 125 साल लिया है ना, 125 साल पुरानी कांग्रेस हो गई है, अभी ये नदी में उनको जाने देना है, इस बार आने वाली तो है ही नहीं, और ये भी बहुत सारे सवाल है, छोटे 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 सवाल, क्या नाम है आपका? अफजल पठान, मैं बीजेपी वालों से सवाल करना चाहता हूँ कि जो नड़ियात के कैंडिडेट है पंकज सिंह देसाई, जो 2002 के बाद मुस्लिम इलाके के अंदर वो वोट नहीं मांगने जाते, तो मुस्लिम से इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को, ये बताएं। नफरत क्यों है? एक सवाल कांग्रेस से हो गया, और भी बहुत सारे, क्या नाम है आपका? मैं पकड़ रही हूँ, क्या नाम है? मेरा नाम गगन है। सीएमआई सीएमआई का डेटा है, कांग्रेस से सवाल है, सीएमआई का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1.7% है गुजरात में, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हवा में बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। चलिए, बहुत बहुत जोश भी है युवा में, देखिए दो सवाल आपसे हो गए, एक सवाल भाजपा से हो गए, अच्छी बात है, जोश होना चाहिए लेकिन जोश में होश नहीं। हाँ, एक सेकंड, बहुत महिलाएं वो भी इंतजार कर रही हैं, आ जाइए। मैं भी यही बोलना चाहती हूँ जो अभी सर ने पीछे बोला है कि हमारे वहाँ नाड़ीप में पानी की सुविधा नहीं है, हमको वही सुविधा चाहिए, हम वोट भाजपा को देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे लिए सुविधा तो नहीं है, वोट वोट की बात नहीं कर रहे हैं, वो विश्वास दिला रहे हैं, आपको विश्वास है कि नहीं? नहीं होता ना, 20 साल से मैं खुद परेशान हूँ पानी के लिए, 20 साल से मैं खुद परेशान हूँ, कोई नहीं है, गटर लाइन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी तो नली नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा, हमारे वहाँ नली नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा। एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके आपकी समस्या रख दी है, चलिए आप 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 पर विश्वास नहीं कर पा रही है महिलाएं, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, आप ही की समस्या जा रही है, देखिए ये देखिए प्राची जी पे जवाब देता हूं, एक मिनट वाले से, आप पर विश्वास नहीं कर पा रही है जनता, देखिए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, देखिए मैं महिला जो भी जिन्होंने, सुन लीजिए आप ही की समस्या की बात हो रही है, अगर इस देश में किसी एक लीडर ने महिलाओं की चिंता, छोड़ो इनका पानी का बारे सुनो भाई, सुन लो उनके बारे में चिंता की, शौचालय मांग रहे आप, सर आप शौचालय बनाने का किसने काम किया, उनको बोलने दीजिए, वो जवाब देने के लिए आपको बाहर आलोक जी, आलोक जी जवाब देने दीजिए, आलोक जी और वारिस पठान जी जवाब देने दीजिए, सर ऐसे किसी किसी की समस्या हल नहीं हो पाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़, गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।